चलते हैं ऑकलैंड सिटी की तरफ। अभी मैंने उबर बुक की है यहाँ से नॉर्थ कोर्ट एरिया से स्काई सिटी की तरफ। स्काई सिटी में ही स्काई टावर है जो बहुत फेमस ऑकलैंड का एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। जल्दी से उबर आने को है, 3 मिनट का इन्होंने टाइम दिया है अभी मुझे। और आप प्लीज़ एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड ज़रूर अपने साथ रखें जब भी आप इन कंट्रीज़ में आ रहे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं। टैक्सी की जब राइड बुक करें तो वो पेमेंट ऑप्शन पहले मांगता है, ऑप्शन में कैश भी दिखाया था लेकिन फ़िलहाल हमने कैश को कन्वर्ट ही नहीं कराया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैश हमारे पास थे तो मैंने अभी न्यूजीलैंड डॉलर्स में उन्हें कन्वर्ट नहीं कराया। और जब से हम न्यूजीलैंड में हैं, क्राइस्टचर्च से ऑकलैंड तक, हमने सिर्फ क्रेडिट या डेबिट कार्ड ही यूज़ किया है। तो ये कंट्रीज़ क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए बहुत फ्रेंडली है, यहाँ हर जगह छोटी से छोटी दुकान पे भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड चलता है। ये होटल काफ़ी ठीक लोकेशन पे है, अगर आपको सिटी के बीच में नहीं रहना, वैसे मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि सिटी सेंटर में रहें क्योंकि सिटी सेंटर में रहने के बहुत से फ़ायदे हैं। कुछ एक्सकर्शन या टूरिस्ट अट्रैक्शन आप कहिए, वो सिटी के सेंट्रल के आसपास ही होते हैं ज़्यादातर। और सिटी सेंट्रल से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी इजी रहता है आना और जाना कहीं भी किसी भी जगह पे, क्योंकि हर जगह सिटी सेंट्रल में मेट्रोज या बसेस ज़रूर आती और जाती हैं। एयरपोर्ट से भी इजी होता है सिटी सेंटर में आना और जाना। तो प्रेफरेंस यही रहेगी, अगर आप 3-4 दिन के लिए मैक्सिमम आ रहे हैं किसी भी सिटी में तो आप सिटी सेंटर में ही अपना होटल बुक कराइए। फ़िलहाल मेरे प्यारे भाई अमन भाई का जो बैकयार्ड बार है, मैं इसके पास ही रहना चाहता था। इन्होंने मेरे को बोला था कि पायनामो अच्छी लोकेशन पे है और ये मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि सिटी सेंटर में मैं बहुत बार रहा हूँ, बहुत से सिटीज़ में मैं रहा हूँ सिटी सेंटर में। ये थोड़ा सा अलग है, हट के है, शांत है, तो अच्छा लगा यहाँ रह के। अच्छी जगह है, आप भी अगर रहना चाहें यहाँ के, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत इस जगह की ये इंडियन रेस्टोरेंट है इंडियंस के लिए, और जो ये बैकयार्ड कैफ़े है अपना, बैकयार्ड बार रेस्टोरेंट जो भी कहिए, ये बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है यहाँ पर। बाकी ड्रिंक्स के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, विस्की, बियर, वाइन, जो भी आप पीना चाहें, और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं। चाइल्ड फ्रेंडली है ये रेस्टोरेंट, फैमिली फ्रेंडली है ये रेस्टोरेंट। तो बैकयार्ड कैफ़े मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप ऑकलैंड आते हैं। खैर चलते हैं, देखते हैं उबर कितनी देर में आती है। उबर आ गई है, पहले वाली कैंसिल हो गई थी, अभी ये सेकेंड उबर है, 2 मिनट में आ गई है अभी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया कैंसलेशन के बाद भी। How are you today? I'm good. What about you? Where are you from? I'm Chinese. Yeah. I'm from China. Ni hao. Like namaste. Ni hao. Kehte hi bahut khush ho jaate hain Chinese. You came here for holiday? Yes, for holiday. Oh, I love Indian food. You have been to India? Nah. But I love the Indian food. Food? Yeah. Even I love Indian food because. Yeah. Spicy, and the butter chicken. You got some fat. Yeah. But in New Zealand, the butter chicken, the kiwi still is quite creamy, quite creamy, sweet. Sweet. Yeah, but India style is like spicy. Yeah. I love India style. Thank you. Yes, pretty sure. Yeah. And very healthy food. Yes. Panatha. You try panatha. Panatha. Paratha. Paratha. Sometimes, yes. Ah. Very healthy. So, अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो ऑकलैंड में खासकर उबर अभी मैंने बुक किया है, यहाँ कैश पेमेंट ऑप्शन नहीं है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड ज़रूर लाइए अगर आपको ऑकलैंड में या न्यूजीलैंड में आना है और टैक्सी का यूज़ करना है तो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बंदे चीनी भाई भाई। थैंक यू बाय 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 शीशा।
फिलहाल हम आए हैं स्काई सिटी में, देखते हैं स्काई टावर को। स्काई सिटी ऑकलैंड का एक फेमस अट्रैक्शन है। स्काई सिटी में दो वर्ल्ड क्लास होटल हैं, एक वर्ल्ड क्लास कैसीनो है, लगभग 20 बार एंड रेस्टोरेंट हैं और स्काई टावर है जो ऑकलैंड सिटी का एक लैंडमार्क है। स्काई टावर से बंजी जंपिंग ऑप्शन भी है जिसकी टिकट 225 न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं और 192 मीटर हाइट है इसकी जो जंप होता है। 30 मिनट का टाइम लगता है। मैंने पूछा कि ज़्यादा डेंजरस तो नहीं है, तो बोले भाई स्कैरी है, डेंजरस नहीं है। तो ये जो सबसे ऊंची बंजी जंपिंग है आई थिंक ये लॉस वेगास में है। तो जब भी बंजी जंपिंग करेंगे तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट से करेंगे यहाँ से। फिलहाल स्काई टावर पर चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कान बंद हुए हैं, बहुत तेज ऊपर जा रही है। स्काई टावर की कुल लंबाई 328 मीटर है। यह न्यूजीलैंड का टॉलेस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर है और साउथर्न हेमिस्फीयर का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। स्काई टावर वर्ल्ड के टॉलेस्ट टावर्स में 25वें नंबर पर आता है। ये फ्री एक्टिविटीज हैं यहाँ चिल्ड्रन के लिए। इक्यावनवे फ्लोर पर यह मेन ऑब्जर्वेटरी डेक है जिसकी हाइट 186 मीटर है और यहां से 80 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। स्काई टावर में न्यूजीलैंड के सिटीजन्स के लिए उनके बर्थडे वाले दिन एंट्री फ्री होती है। बावनवे फ्लोर पर न्यूजीलैंड का एकमात्र रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट ऑर्बिट 360 डिग्री है। जब भी आप ऑकलैंड में स्काई टावर पर आएँ तो एक बात का खास ख्याल रखें कि यहाँ पर जो मेन ऑब्जर्वेशन लेवल है वो 51st फ्लोर पर है, लेकिन आप उसके ऊपर भी सेम टिकट में स्काई डेक पर जा सकते हैं जो लेवल 60 पर है। बहुत से लोग नीचे 51st फ्लोर पर ही होकर वापसी चले जाते हैं, लेकिन आप ऊपर 60th लेवल पर भी आइए। और उसके अलावा 50th फ्लोर पर स्काई कैफ़े है, 52nd फ्लोर पर डाइनिंग रेस्टोरेंट है,
तो लेकिन 51st फ्लोर पर ही ऑब्जर्वेशन डेस्क को देखकर ही बहुत से लोग चले जाते हैं। और स्काई डेक की जो एंट्री है वो 51st फ्लोर से है। 51st फ्लोर पर आने के बाद आप ये स्काई डेक एंट्री से लिफ्ट लेके 60th फ्लोर पर जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए 51st फ्लोर से वापस नहीं जाना, स्काई डेक पे जाके आप स्काई डेक से ऑकलैंड सिटी के व्यूज़ को देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।